काली। यह नाम भारतीयों के लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि इस नाम से संहार और युद्ध की देवी की उपासना से हम इंडियन सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और काली है जिसका नाम सुनते ही चाइना और पाकिस्तान कांपने लगते हैं। ये भारत का एक सीक्रेट वेपन है जिसे इंडियन एजेंसी बैरक और DRDO ने मिलकर बनाया है। भले ही कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान और चाइना दोनों इंटरफेयर करने पर उतारू रहते हैं, लेकिन हम इंडियंस को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली हमारे इन दोनों दुश्मनों को एक साथ संभाल सकता है। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवर सिंह और आज की इस वीडियो में हम काली वेपन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। इंडिया का ये सीक्रेट वेपन इतना अहम है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देते हुए लोकसभा तक में इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से साफ मना कर दिया था। दरअसल जब मनोहर पर्रिकर जब डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उनसे लोकसभा के प्रश्न किया गया था कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। तो डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने इस क्वेश्चन के उत्तर में कहा कि जो जानकारी मांगी जा रही है वो संवेदनशील है और इस जानकारी का खुलासा देश के सुरक्षा के हित में नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर से ये क्लियर हो कि जाता है कि काली पर कंटिन्यूसली काम चल रहा है। इंडिया के सीक्रेट वेपन काली से पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में भयानक बर्फीला तूफान आया था। वहां एक बड़ा ग्लेशियर का हिस्सा गिर गया था जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का बेस कैंप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और इसकी वजह से पाकिस्तान के 140 सैनिक मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि इंडिया ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपना सीक्रेट वेपन काली का यूज़ किया है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि काली लेज़र बीम नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव पैदा करती है जो किसी वेपन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ख़राब करके उस वेपन को डिस्ट्रॉय करती है। और इस मैग्नेटिक वेव से बर्फ को पिघलाया नहीं जा सकता है। काली के निर्माण की योजना ईयर 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर RC चिदंबरम ने इसकी योजना बनाई थी और इस पर काम 1989 में स्टार्ट हुआ था। काली पर 30 ईयर्स से काम चल रहा है और इतने टाइम में इसके कई सारे वेरिएंट डेवलप कर लिए गए हैं, जैसे काली 80, काली 100, काली 200, काली 5000 और काली 10000 को विकसित कर लिया गया है। कि काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये बेहद ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने वाला यंत्र है। ये सेकंड के हजारवें हिस्से में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का तूफान बना सकता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत खराब कर देता है। ये भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे की बौछार कर सकता है। टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज और मिसाइलों के इलेक्ट्रिक सर्किट और चिपों को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फेल करके उन्हें कुछ ही पल में तबाह कर सकता है। यही नहीं, इसकी बीम के जरिए UAV और सैटेलाइट को भी गिराया जा सकता है। शुरुआत में काली को भारत के सुपरसोनिक विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था। पहले योजना बनाई गई थी कि काली को हमारे सैटेलाइट पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि किसी भी परमाणु हमले की स्थिति में
उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारे उपग्रह सूर्य के कॉस्मिक किरणों से भी सुरक्षा रहे। लेकिन 2004 में जब काली 5000 का निर्माण कर लिया गया, तब इसकी ऊर्जा संग्रह और ऊर्जा विस्फोट की क्षमता को देखते हुए इसे हथियार के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया गया। लेकिन क्योंकि ये सरकार का एक बहुत ही गुप्त मिशन है, इसलिए अभी तक इस बारे में आधिकारिक जानकारी रिलीज नहीं की गई है कि काली का हथियार के तौर पर विकसित किया जा चुका है या नहीं। लेकिन इस बात पे कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक हथियार के तौर पर काली बहुत कारगर है, क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को तुरंत नष्ट करने में सक्षम है। अपनी इस क्षमता की वजह से काली लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को नष्ट करके उन्हें तुरंत बेकार कर सकता है और मिसाइलों की दिशा बदल सकता है। दरअसल आजकल सारी मिसाइलें और लड़ाकू विमान GPS टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और काली किसी भी तरह की टेक्निक का दुश्मन है, इसलिए ये लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का काल है। काली दुश्मनों के टैंकों, लड़ाकू विमान, मिसाइलें और यहाँ तक कि नौसैनिक जहाज को भी चंद पलों में कबाड़ का ढेर बना सकता है। नौसैनिक युद्ध में भी काली बेहद सक्षम है, क्योंकि नौसैनिक जहाज़ों पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो उसकी दिशा काली के प्रहार से किसी भी जहाज का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह हो सकता है, जिससे कि वह जहाज महीनों तक समुद्र में भटकता रह सकता है। सो फ्रेंड, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।